हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, सब टीवी पे नए शोज आने वाले हैं काफ़ी, तो उन्हीं में से एक है पुष्पा इम्पॉसिबल, जिसका प्रोमो भी आपको दिखा दिया गया है। तो इसके प्रोमो आने से कुछ हफ्तों पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि एक नया शो आने वाला है सब टीवी पे, जो कि हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस की तरफ से आ रहा है। तो ये वही वाला शो है पुष्पा इम्पॉसिबल, जो कि हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से आ रहा है। जिनको नहीं पता हेड्स ऑफ कौन सी प्रोडक्शन हाउस है, तो गाइज ये वही प्रोडक्शन हाउस है जो सब टीवी के साथ पहले भी कई बार काम कर चुकी है, जैसे कि बड़ी दूर से आए हैं शो इनका था, करंटली वागले की दुनिया जो ऑन एयर है सब टीवी पे वो भी इनका था, और जो खिड़की सीरियल आता था सब टीवी पे वो भी इनका था। तो हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे शोज इंडिया में लेकर आ चुके हैं और अब एक सब टीवी पे नए कॉमेडी के शो के साथ आने वाले हैं। तो इस शो की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेन लीड को देख लें। तो गाइस, करुणा पांडे शो में मेन फीमेल लीड प्ले करने वाली हैं। शो की कहानी पूरी तरह उन्हीं पे बेस्ड रहने वाली है और वो शो में मदर का करेक्टर प्ले करने वाली हैं। फैमिली ड्रामा टाइप, फैमिली कॉमेडी टाइप पे होने वाला है सीरियल, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वुमेन सेंट्रिक शो होने वाला है, तो जो मेन करेक्टर होगा वो करुणा पांडे का होगा और इन्हीं के आसपास सारी कहानी रिवॉल्व करेगी इस शो की। करुणा पांडे को बेसिकली भागे रे मन, देवांशी जैसे सीरियल से जाना जाता है और कई मूवीज में भी उन्होंने काम किया है। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नवीन पंडित इस शो में आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑल्सो आपने उनको प्रोमो में भी देख ही लिया होगा, उनके करेक्टर पे प्रोमो भी आ चुका है। तो करुणा पांडे के सन का वो रोल प्ले करने वाले हैं, बेटे का रोल। एक्ट्रेस देशना, जिनको मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव या फिर बालकृष्णा से जाना जाता है, वो भी आपको इस शो में देखने को मिलेंगी, उनको भी आपने प्रोमो में देख लिया होगा, उनके करेक्टर पे भी प्रोमो आ चुका है, वो बेटी का रोल प्ले करने वाली हैं। और उनके भाई का रोल प्ले करने वाले हैं एक और एक्टर दर्शन गुर्जर, जिनको जिद्दी दिल माने ना सब टीवी के शो में भी देखा गया था, तो वो भी शो का हिस्सा रहने वाले हैं और वो बेटे का रोल प्ले करने वाले हैं। वाइज एक्ट्रेस गरिमा परिहर को भी इस शो के लिए रोप इन कर लिया गया है, उनको कसौटी जिंदगी के स्टार प्लस के शो में देखा गया था और अब इस शो में उनका इंपॉर्टेंट करेक्टर होगा, अभी ये नहीं पता कि उनका करेक्टर किस तरह का होने वाला है। और गाइस, भक्ति राठौड़ को भी इस शो के लिए रोप इन कर लिया गया है, वो रिसेंटली देखी गई थी हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस के ही भाकरवड़ी शो में भी, जो कि सब टीवी पे ही आता था, तो वही प्रोडक्शन हाउस इस शो को भी बना रही है। तो भक्ति राठौड़ रीयूनाइट होने वाले हैं हेड्स ऑफ वालों के साथ और सब टीवी वालों के साथ इस शो के एक कॉमेडिक रोल के लिए। सरस्वती चंद्र फेम मानसी जैन भी इस शो के लिए रोप इन कर ली गई हैं और अभी के लिए उनके करेक्टर पे डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनका करेक्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस शो में। तो गाइज, ये एक वुमेन सेंट्रिक शो होने वाला है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शो की मेन करेक्टर जो कि करुणा पांडे प्ले करने वाली है, उनके करेक्टर का नाम पुष्पा होने वाला है, इसी के लिए सीरियल का नाम जो है पुष्पा इम्पॉसिबल है। तो गाइज, उनका करेक्टर मेन होगा इस सीरियल में। और अब हम बात करें कि इस शो की लॉन्च कब होगी, तो गाइज मई के मिड में, यानी कि मई के मिडल में, उस टाइम के आसपास इस शो का लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए एग्जैक्ट लॉन्च डेट सब टीवी ने डिसाइड नहीं करा है। अब हम बात करें इस शो की टाइम स्लॉट की, कौन से दूसरे शो को रिप्लेस करेगा, तो वह जिद्दी दिल माने ना ऑफर जाने वाला है, ये शो उसको रिप्लेस करेगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं कि अगर ये इसको 8 बजे के टाइम स्लॉट पे डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करता, तो हो सकता है किसी दूसरे शो की टाइम स्लॉट को घुमाएं या फिर ऐसे कुछ शफलिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा चांस यही है कि ये जिद्दी दिल माने ना को 8 बजे के टाइम स्लॉट पे रिप्लेस करेगा या फिर कुछ और सब टीवी दूसरे शोज़ की टाइम स्लॉट वगैरह बदल सकता है, लेकिन जिद्दी दिल माने ना तो ऑफर जाएगा ही इस शो के लिए जगह बनाने के लिए। और ये शो मई के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 22 मई के बाद आपको ये शो देखने को मिलेगा सब टीवी पे। हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस कॉमेडी के मामले में बहुत हिटेड शोज़ आज तक लाते रहे हैं और सब टीवी के साथ भी उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बड़ी दूर से हैं उन्होंने सब टीवी के लिए जो कि प्रोड्यूस करा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा हिट था। भाकरवड़ी भी ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी टीआरपी ला रहा था, जब तक उसकी टाइम स्लॉट चेंज सब टीवी ने छेड़खानियाँ नहीं करी थी उस तक उसके साथ। और अब वागले की दुनिया जो करंटली ऑन एयर है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सब टीवी के लिए। तो सब टीवी के रिलेशंस हेड्स ऑफ वालों के साथ काफ़ी अच्छे हैं, तो इसी के लिए हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस के साथ एक नया शो निकल कर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में इसकी स्टोरी डिटेल्स वगैरह और कास्ट डिटेल्स सब आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो चैनल से जरूर जुड़िए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। और ऐसी ही लेटेस्ट पुष्पा इम्पॉसिबल या फिर सब टीवी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल के यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।